हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रिमी। आप सबके इतने लव एंड सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो पे आप देखेंगे ये बहुत ही खूबसूरत सी नेक डिज़ाइन। एक्चुअली इसकी कटिंग स्टिचिंग कुछ भी नहीं हुआ है, इसके बाद में करूंगी। और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं यहाँ फेबिक्रिल के एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ, जो कि मार्केट में बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। पहले हमें कुर्ती के बॉर्डर पे है ऐसे, हमें नेक की बॉर्डर पे ऐसे हमें पहले आउटलाइन कर लेना है ऐसे। मैं यहाँ वाइट एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ, फ्लैट ब्रश। पहले मैंने पेंसिल से आउटलाइन कर लिया है ताकि इसको पेंट करने में बहुत आसानी से ये हो जाएगी। इसलिए आप भी पहले पेंसिल से एक आउटलाइन कर लीजिए। इसकी नेक राउंड नहीं होगी, इसको ऐसे इसको डिजाइन होगी ऐसे। कलर को हमेशा प्लेट में या किसी में लेके कलर कीजिए, नहीं तो हवा के साथ बोतल से अगर आप यूज करें, बोतल के ढक्कन खोलने से वो क्या होगा, बहुत टाइम अगर आप ऐसे यूज करें तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगी। या हमें सिल्वर ब्रश से ऐसे छोटी छोटी ऐसे फ्लावर की पत्ती की तरह हमें पेंट करना है। अब मैं यहाँ फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ और मॉब एक्रेलिक कलर ऐसे पहले आउटलाइन कर लिया है। पूरा हमें कलर को फिल नहीं करना है, यहाँ मैंने कलर फिल कर लिया, पर ऐसे कलर को फिल नहीं करना है। ऐसे हल्का सा एक शेड हमें देना है फ्लावर के पत्ते के ऊपर। आप अपने पसंद के कलर यूज़ कर सकते हैं आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग। और मैं यहाँ कॉटन की फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ, मतलब मेरी ये ड्रेस कॉटन की है तो इसलिए मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप कोई रेयन सिल्क या फिर कोई भी सिल्क के ऊपर ड्रेस को ऐसे पेंट करना चाहते हैं तो एक्रेलिक कलर से आपको नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पार्ल मेटेलिक कलर, जो कि मार्केट में वो भी बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी, उस कलर से आप पेंट कर सकते हैं। क्योंकि सिल्क के ऊपर एक्रेलिक कलर से पेंट नहीं कर सकते, नहीं होगा। ऐसे हमें थोड़ी थोड़ी हल्का सा शेड हमें देना है। एक फ्लावर में दो पत्ती हमें इस मॉप कलर से करना है और दो पत्ती को मैं बाद में करूँगी दूसरे कलर से। आप चाहे तो पूरे फ्लावर में एक ही कलर से कर सकते हैं, ऐसी कोई नेसेसरी नहीं है कि मैं कर रही हूँ इसलिए आपको भी करना पड़ेगा। कलर नहीं हो जाने से आप एक कलर से ही सारे पत्ती एक कलर कर सकते हैं। बट इसमें क्या होगा, आप दो कलर यूज़ करेंगे तो ये देखने में और भी खूबसूरत हो जाएगी। इसलिए इसके लिए मैंने फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। अब हमें दूसरे पत्ती को करना है, ऐसे देख सकते हैं आप, एक फ्लावर में चार ही पत्ती है। यहाँ ऐसे पहले आउटलाइन करके हमें हल्का सा एक शेड जैसे ऐसे देना है, ऐसे यहाँ भी करना है। अब सारे फ्लावर्स को ऐसे सेम प्रोसीडियर से हमें करना है। आफ्टर पेंटिंग ये सॉरी आफ्टर वॉश ये कलर कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे पूछते हैं आफ्टर वॉश ये कलर ऐसे कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं होता है। और पूछना भी चाहिए, क्योंकि सबको डर लगता है इतनी मेहनत से कोई करे और बाद में ये आफ्टर वॉश एक बार में ही कलर उतर जाते तो कोई नहीं करेगा ना। तो कुछ नहीं होता है, ये सारे पेंटिंग मैं अपने ड्रेस के ऊपर करती हूँ तो आप कर सकते हैं। बस आपको मेंटेन करना है, जैसे पेंट करने के बाद आपको 24 आवर्स ड्रेस को ऐसे ही रख दीजिए, कुछ मत कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट दिन आपको क्या करना है, इसके बैक साइड पे जहाँ पर आपने कलर किया है उसकी बैक साइड पे आपको प्रेस कर लेना है एक बार बस। और 72 आवर्स के बाद आप कभी भी वॉश कर सकते हैं, कलर कुछ भी नहीं होगा। बस इसको मशीन वॉश ना कीजिए। अब यहाँ हमें मैं यहाँ राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ 0 नंबर की, यहाँ स्काई ब्लू एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। इस डिज़ाइन को क्या है, इसमें छोटी छोटी बहुत वर्क है इसलिए आपको टाइम थोड़ी सी लग सकती है, बट ये डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरत। ये छोटी छोटी वर्क के लिए टाइम तो लगेगा ही।
बट ज़रूर ट्राई कीजिए अपनी ड्रेस के ऊपर, ये बहुत खूबसूरत होगी बनाने के बाद। कलर बहुत अच्छे से देख सकते हैं कितनी अच्छे से मैच हो रही है, लाइट डीप ऐसे मैच करके ही हमें कलर को करना है। अगर आप वाइट कलर के ऊपर करते हैं तो ऑलमोस्ट सारे कलर्स इसके ऊपर अच्छे लगते हैं वाइट के ऊपर। जब भी आप कोई डार्क कलर यूज़ करें तो ही प्रॉब्लम होता है कौन सी कलर चूज़ करना है। अब सारे फ्लावर्स के अंदर ऐसे हमें सेम प्रोसीडियर से जहाँ करना था स्काई ब्लू से करना है। अब यहाँ जहाँ हमने पहले वाइट कलर से की थी उसके गैप में हमें स्काई ब्लू से ऐसे कर देना है। मैं यहाँ फिल्बर्ट ब्रश यूज़ कर रही हूँ, सॉरी यहाँ मैंने राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ। आप फिल्बर्ट ब्रश से भी कर सकते हैं या फिर राउंड ब्रश से भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास आउटलाइनर नहीं है तो आप ऐसे भी राउंड ब्रश से ऐसे कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास 3D एक्रेलिक कोन जो होता है मार्केट में वो भी मिल जाएगी आपको आसानी से, तो अगर उससे भी आप कर सकते हैं। क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें ये पतली सी जो वर्क है ना एकदम वो करने में बहुत आसान होता है, कम जल्दी हो जाती है। यहाँ दो टाइप, मतलब पहले मैंने राउंड ब्रश यूज़ करके आपको दिखाऊंगी, उसके बाद मैंने कोन यूज़ करके भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ मैं ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ, इसको मैं यहाँ ग्रीन यूज़ कर रही हूँ। ध्यान रहे राइट साइड पे जैसे होगा लेफ्ट साइड पे भी सेम होगा, इसको आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा छोटी बड़ी नहीं होना चाहिए। दो साइड पे भी सेम होगा। मतलब मैं आपको सजेस्ट करूँगी पहले अच्छे से पेंसिल से थोड़ी टाइम लेके इसको कलर, मतलब पेंसिल से आउटलाइन कर लीजिए, उसके बाद ही कलर कीजिए। अब यहाँ भी ग्रीन कलर से करना है हमें ऐसे। ये सारे डिज़ाइन आप राउंड ब्रश से कर सकते हैं अगर आपके पास फ्लैट ब्रश नहीं है, और आप कभी भी पहले फ्लैट ब्रश यूज़ नहीं किया है कोई बात नहीं, ये सारे काम आप राउंड ब्रश से इजीली कर सकते हैं। बट फ्लैट ब्रश में आप जितना जल्दी कर सकते हैं, राउंड ब्रश में आप उतना जल्दी नहीं होगा आपको, उसमें थोड़ी टाइम लगती है। अब यहाँ आप देख सकते हैं मैंने यहाँ आउटलाइनर यूज़ कर रही हूँ। आप ऐसे अगर यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी आपको काम हो जाएगी। बाकी इसको क्या होता है, मैंने ना प्रेस जब करती हूँ तो इसको मुझे उंगली में बहुत दर्द होता है कि इसको प्रेस करने में, और मेरी ये बोतल ऑलमोस्ट खाली हो गई तो इसलिए और भी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। ये भी फेविकिल की है, ये भी मार्केट में आपको मिल जाएगी, इसके भी बहुत सारे शेड्स हैं। और अगर आपको इस वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। আর যদি তোমরা বাঙালি হও তাহলে আমাকে বাংলাতে কমেন্ট করতে পারো, কি জানতে চাও আমাকে বলতে পারো, কোনো ব্যাপার না, বাংলাতেই সব কিছু লিখতে পারো। আর মেরি এই ব্লগি চ্যানেলে যো কি একদম নই হ্যায় মে আপকো রিকোয়েস্ট করুঙ্গি উসকো আপ একবার জরুর দেখিয়ে, উসকি লিংক ডিসক্রিপশন পে হ্যায়। আফটার পেইন্টিং ইস ড্রেস কো কেসে আপকো মেইনটেইন করনা হ্যায় ইসকে লিয়ে মেরি দো ভিডিওজ হ্যায় আর উসকি লিংক ভি ডিসক্রিপশন পে হ্যায়, আপ চাহে তো উস দো ভিডিও কো দেখ সকতে হ্যায়। अब इसके अंदर हमें ऐसे छोटी छोटी डॉट्स हमें करना है इस डिज़ाइन को और भी खूबसूरत दिखाने के लिए। अब इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर। मैं यहाँ टर्कोइज ब्लू यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ हमें थोड़ी सी डीप कलर यूज़ करना है इसलिए, और टर्कोइज ब्लू मेरी फेवरेट मेरी शेड है, बहुत पसंद है मुझे इस शेड को। और यहाँ मैंने 0 नंबर राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ। कलर में मैंने कभी भी मीडियम यूज़ नहीं करती हूँ, ब्रश थोड़ी सी ड्राई हो जाने से अब थोड़ी सी पानी यूज़ कर सकते हैं, मैं भी करती हूँ। और कलर को और लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए आप कलर के अंदर थोड़ी सी फेविकल मिक्स करके भी कर सकते हैं, कलर को बहुत डीम होगी कलर, कुछ भी नहीं होगा, ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हैं।
वाटर पेंटिंग ये बहुत ही खूबसूरत है। ये है कंप्लीट होने के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वेरी गुड डे। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।